बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार हे जगातील बौद्धांच्या अस्मितेचे प्रतीक असून ब्राह्मणांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात यावेत या मागणीकरता सनदशीर मार्गाने अनेकदा आंदोलन करून सरकारला निवेदन देण्यात आले असून बिहार सरकारने दखल घेऊन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इकबाल सिंग लालपुरा बौद्ध सदस्य रिंचेन लामो आणि बिहार सरकारचे अतिरिक्त प्रतिनिधी बीटीएमसी कार्यालयाचे संचालक राहुल कुमार आणि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमचे सचिव आकाश लामा आणि सदस्यांसह आमदार सतीश कुमार दास यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली असून बीटीएमसी ऍक्ट 1949 रद्द करून महाबोधी महाविहार कमिटीवर फक्त बौद्ध सदस्य असावेत या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. हम लोगों ने चेयरमैन को ये बात बताने में सक्षम हुए कि यहाँ पर जो हो रहा है काफ़ी गलत हुआ है और जिस तरह से एक भ्रम का स्थिति पैदा किया गया था यहाँ पर ये जो यहाँ पर बौद्ध विहार में शिवलिंग है या भगवान बुद्ध कृष्ण का अवतार है ये सब जो हम लोगों ने उसको सही तरीके से बड़े ऐतिहासिक तथ्य के साथ हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का कोई समानता नहीं है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता और हिंदू धर्म का ये जो महंत का जो अतिक्रमण है बौद्ध ये बौद्ध स्थल में इसको शीघ्र हटा जाए और ये जो बीटीएमसी एक्ट ने जो एक अत्याचार जो किया है इसको जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए, इसको जल्दी सुधार किया जाए और बीटीएमसी के एक्ट को संशोधन नहीं पूरा रिपील करके इसको निरस्त करके पूरा ये जो बौद्ध स्थल है बौद्धों को हाथ में दिया जाए ताकि हम लोगों ने इसको सही ढंग से संचालन कर सके. हमने देखा है श्रीलंका में जो अनुराधापुर में यहाँ से बौद्ध वृक्ष का को एक सैपलिंग अशोका के बेटी संगमित्री ने जाके वहाँ पर लगाया था वो पेड़ अभी भी वहाँ पर है और श्रीलंका सरकार ने इसको इस तरह से सुरक्षित रखा है कि उस पेड़ का आसपास 1 किलोमीटर के जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं है, एकदम सफा एकदम रखा है वो. और जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है ये इससे दिखाता है कि इसका रखवाली में यहाँ का जो अभी का जो वर्तमान संचालन कमेटी उसका कोई केयर नहीं है उसका. पॉलिटिकल सामाजिक वर्कर हम लोग माइनॉरिटी कमीशन से 2 महीना पहले हम लोग गए थे दिल्ली में मुलाकात करने और हमने बीटीएमसी एक्ट 1949 को रिवील करने के लिए इनसे अपील की थी और हम लोगों ने कहा था कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए. तो एक सकारात्मक है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं और उसके मेम्बर्स लिंचिंग लामा जी हाँ वो स्वयं आई और उन्होंने बौद्ध मंदिर का अवलोकन किया, सारे ऐतिहासिक तथ्य को उन लोगों ने समझा और हमारे सारे डेलीगेट्स जितने मेंबर्स थे हमारे मेंबर्स के साथ में उनकी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने बौद्ध मंदिर के इतिहास को समझा. 1949 बीटीएमसी एक्ट किन परिस्थितियों बना उन तमाम चीज़ों को समझा और उन्होंने भी फील किया कि अब वो वक्त चला गया कि जब किसी धार्मिक संस्थान में किसी दूसरे धर्म का हस्तक्षेप हो और उन्होंने कहा कि ये बात स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर से फिर से मैं जाके डिस्कस करूँगा और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और उनसे अपील भी वो जाकर के उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों के कि हम जाके कहेंगे कि बुद्ध मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और ये नीतीश कुमार जी से भी बात माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन स्वयं उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के करने की बात की है. तो हम लोग की उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पर ये प्रयास होगा. ये जो समस्या है बौद्धों की सबसे बड़ी समस्या आज ये देखिए पूरी दुनिया के बौद्ध इसका समाधान और रास्ता निकलेगा और बहुत जल्द बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होगा और पूर्ण अधिकार बौद्धों को होगा, हमें उम्मीद है. आज बोधगया में बीटीएमसी ऑफिस में
नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंछे लामू जी जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, और बिहार सरकार की तरफ से एडिशनल डायरेक्टर राहुल कुमार जी का काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। विशेष करके ये जो बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और जो बोधगया में जो इस कानून के आधार, इस एक्ट के आधार पर जो 9 मेंबर में 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के है, हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, तो हम तो इनको पूरे कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध हो, ये हमारी पूरी एक ही मांग रखी है। और संसार में किसी भी धर्म स्थल का धर्मस्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं, और उन्होंने भी माना, ये पक्की बात है। तो मैं निश्चय इसमें कराऊंगा, और कल गवर्नमेंट के साथ और इसमें व्यापक चर्चा होगी, और निश्चय इसमें बौद्धों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।